क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम बताएं कि इसको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 then find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. Then yes plus 5 equals 5 and yes minus 3 equals 7. इससे हम पहले चेंज करते हैं इक्वेशन को, लिखेंगे dx plus 2y minus 5 equal 0, 5 को equal sign के दूसरे लेकर आते हैं लेफ्ट साइड में, उसी तरह से लिखेंगे 2x minus 3y 7 भी लेकर आते हैं ऐसे, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हम a1 upon a2 लिखेंगे b1 2 b1 upon b2 लिखेंगे 2 upon minus 3 and last we make c1 upon c2 minus 5 upon minus 7 yahan par b1 2 is not equal 2 upon minus 3 therefore a1 upon a2 is not equal b1 upon b2 then we think therefore the linear equation are consistent क्वेश्चन नंबर सेकंड को फिर से उसी तरह लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 से लिखेंगे 2x माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे ओवर x माइनस 6y इक्वल 9
इसे लिखेंगे आप ओवर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इक्वल जीरो सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम एक अपॉन ए टू की वैल्यू लिखते हैं टू अपॉन फोर से लिखेंगे वन अपॉन टू बी वन अपॉन बी टू लिखेंगे माइनस थ्री अपॉन सिक्स इसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू सी वन अपॉन थ्री टू एट अपॉन नाइन ये रहेगा एट अपॉन नाइन। यहाँ पर लिखेंगे हम वन अपॉन टू नहीं है Therefore, linear equations are inconsistent. यहाँ पर इक्वेशन था 3.2x plus 5.3/7 उन्हें जो चेक था 3.2x plus 5.3y minus 7 नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन की 9x minus 10y = 14 इसे हमने लिखा 9x minus 10y minus 14 = 0 दोनों इक्वेशन लिखने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1.2 2.2 3.2 4.2 5.3 A12 upon 9 B1 upon B2 5.3 upon 10 next B1 upon B2 minus 7 upon 14
selling it in
sebenarnya kita harus mengatakan itu berapa 1, 5 rapat 2, 2 rapat 3, 5 rapat 3, minus 8 rapat 2. Berapa 3, kita lihat ya, 2 rapat 3, minus 8 rapat 2. Untuk yang mau, ini 2 rapat 3, ini pada 1 rapat 3, selesai 2 rapat 3, यहां पर दोनों इक्वल है इक्वल नहीं है यहां पर बोला है माइनस का तो लिखेंगे माइनस से माइनस का 2.3 टूट गया टूट गया लिखेंगे नीचे लिख के सर आर कंसिस्टेंट नाउ स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं क्लोज होती है नेक्स्ट डे फिर आपकी क्लास होगी टिल देन गुड बाय